अखंड मंडलाकार चराचर तत्पद दर्शित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री प्रेम भक्ति शुभ बंधु भाई और बहनों, हम प्रभु के चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। सत्संग की बहुत महिमा होती है क्योंकि इसमें हमें वो चीज मिलती है जो अन्यतर उपलब्ध नहीं। ज्ञान मिलता है, प्रभु भक्ति मिलती है और जीवन का रास्ता मिलता है। इसमें मिलावट है, परंतु लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील भी रहना पड़ता है। सत्संग में आकर निर्णय करें कि हमने अब ये करना है, ये करना है, तब लाभ होता है। प्रभु जी में योग के मार्ग पर लगा रहे हैं, हम योग को समझें और उसको अपनाने का यत्न करें। जब हम योग शब्द आते हैं तो योग का शब्द होता है मिलना। जिससे पूछो योग क्या होता है, किसी महापुरुष से पूछो, या तो योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मेल, अर्थात मुक्ति। क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गया तो मुक्त हो गया, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए कुछ कई काम करने पड़ते हैं। अंतिम सीढ़ी जल्दी नहीं मिल जाती, और भी कई योग हैं जिनकी हम साधना कर सकते हैं। ये नहीं कि हम आज परमात्मा से मिल जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये नहीं होता। गीता में इसको ब्रह्मलीन होना कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो जाना, तो वो तो अंतिम सीढ़ी है जब इंसान संसार से चला जाता है और आत्मा परमात्मा मिल जाती है। परंतु अब तो संसार के अंदर है, उस मार्ग तक पहुंचने लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर हम उन सब चीजों को देखें हमें क्या करना है, तो हम अवश्य उस पर यत्न करेंगे। योग तो हमारे जीवन से शुरू होता है, घर से शुरू होता है। घर में अगर सबका योग है तो योग चलेगा, अगर योग ही नहीं है, आपस के अंदर प्यार नहीं है, अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो हम कभी योगी नहीं बन सकते। तो योग की जो कसौटी है कि हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हारा गृहस्थी है, उसमें हमें योग करना है। पहला योग यही होना चाहिए हमारा कि हम अपने घर को ऐसा बनाएं कि सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, प्यार से रहें, ना झूठ हो, ना हिंसा हो, ना किसी का मन दुखाया जाए, तब तो योग बनेगा। नहीं तो किस नींव पर खड़ा होगा योग हमारा, मुक्ति कहाँ मिलेगी। तो इसलिए योग तो पहले घर से शुरू होता है, फिर योग शुरू होता है शरीर से। शास्त्र में कहा है, अलग अलग हमें सीढ़ियां बतलाई है कि हमारे शरीर में प्राण है, इनकी साधना करनी होती है। प्राण ऊपर होते हैं, अपान नीचे होता है। प्राण अपान का मिलान योग है। अब प्राण क्या है, अपान क्या है, इनको प्राण को श्वास नहीं मानना चाहिए। जो उसके श्वास मानते हैं तो वो तो उल्टे मार्ग पर चलते हैं। तो
प्राण वो प्राण शक्ति है जिसके आधार पर हम जिंदा है, वो एक शक्ति है। अपान जो है वो नीचे है, प्राण ऊपर है। जब हम संसार के विषयों में लगते हैं तो अपान काम करता है, और जब ज्ञान और भक्ति की तरह लगते हैं तो प्राण काम करते हैं। अब अगर हम योग में लगना चाहते हैं तो अपान को उठाकर प्राणों में ले जाना पड़ेगा। अमूमन ये होता है कि प्राण भी अपान के साथ मिलकर विषय में लग जाता है। जो विषय में लगे ना उनका प्राण अपान में लीन हो गया है, विषय में लगे, और जो ज्ञान और भक्ति से लगे हैं उनका अपान प्राण में लीन हो गया है और हर वक्त ऊंचाई में रहती है। ये है दूसरा स्टेप जो हमने करना है कि प्राण अपान को एक करना। इसके लिए क्या साधन है? प्राण अपान को मिलाना कि अपान को प्राण में लीन करना, ये साधन है। किसी चीज को उठाना होना तो कोई ना कोई साधन होता है। जमीन से चीज उठानी है, भारी चीज उठानी है, किसी तरह कोई ना कोई साधन होता है। प्राण को अपान को कंट्रोल कर रहा है मन। मन की ट्राली से अपान को ऊपर ले जाना है, ऐसे नहीं उठेगा। और मन अगर प्राणों को नीचे ले जाए तो अपान में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं प्राण और मन इकट्ठे रहते हैं। अगर हम चाहते हैं हम योगी बने तो हमारे अपान को ऊपर उठाकर प्राण में लगाना होगा, अर्थात अच्छे ज्ञान के विचारों में, भक्ति के विचारों में लीन रहना होगा, ना कि विषयों के विचारों में। ये विषय मनुष्य है वो अपान के अंदर रहते हैं, नीचे के अंगों में रहते हैं। तो ये है योग। सब किताबों में लिखा है प्राण और अपान को मिलाओ, बहुत किताब लिखा, पर ये नहीं लिखा कैसे उठाना है। वो कहते हैं श्वास से उठाया, पर श्वास तो चीज प्राण नहीं है, ये तो मन के काम है। हम मन को रखें, ये साधना करें कि हमारा मन अपान को ऊपर ले जाकर प्राण में लीन करे। वो तभी होगा जब ऊंचे विचारों में रहेंगे। तो हर वक्त गीता क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं, सोचते हैं। फिलॉसफी, दर्शन, इस तरह हमारा ये है योग का मार्ग। ये सोच अगर दुनिया की बातें सोचते रहेंगे, विषयों को सोचते रहेंगे, तो फिर तो योग का नाम लेना भी फजूल है। दूसरी एक इसके आगे और चीज आती है कि योग गुरु के साथ जुड़ जाना। जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है वो योगी है, जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ नहीं वो योगी नहीं है। ये योग है, गुरु और शिष्य का ऐसा बंधन कि कभी समझ कहते थे मोक्ष तक नहीं टूटता। गुरु का शिर छूट जाता है, शिष्य का शिर छूटता है, मगर बंधन नहीं छूटता। गुरु ईश्वर होता है, शिष्य उसके पीछे पीछे जाता है, यह बंधन मोक्ष तक चलेगा। इसको योग कहते हैं, ये भी योग है। इसके बगैर तो योग फजूल हो ही नहीं सकता। इसके आगे और शरीर की शक्तियों का संयोग। हमारे
हमारा जो अपना परिवार है उसका योग क्या है? एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक प्राण है, इन सब को एकाग्र करें। जो हम आसन करते हैं ये भी उसी में आते हैं। यही तो मतलब अभी स्पष्ट होगा कि शरीर के जो आसन करते हैं वो इस लाइन में कैसे आते हैं। शरीर, शरीर के अंदर प्राण है और जो मन है और जो बुद्धि है एक हो जाए। अब मन की बड़ी शक्ति है, मन को जब अंदर ले जाते हैं तो उस वक्त बुद्धि उसका मिल जाती है। गीता में एक शब्द है स्थिर प्रज्ञ या स्थित प्रज्ञ, बुद्धि का शब्द। उसमें गीता पढ़ रहे थे तो हमारी गीता में दुआ था, वो दुआ इस प्रकार से है कि मन को अंदर ले जाना चाहिए, पर बनेगा क्या, मिलेगा क्या उसे? ये नहीं कि भक्ति मिलेगी, उससे स्थिर प्रज्ञता मिलेगी। आप पढ़ ली मैं उस जो गीता यहाँ छपी है, वो क्या है? कृष्ण का बस यही आदेश, बाहर चित्त न रहे हमेश, अंदर ले। गीता यही है कि चित्तन ले, जो यही चित्तन ले, पर सिवा क्या मेल हो जाएगा क्या? इस प्रकार जब जन कर पाए स्थिर प्रज्ञ वह जन कहलाए, स्थिर प्रज्ञ हो जाएगी, बुद्धि टिक जाएगी। देखो मन और बुद्धि को मेल हो गया, और मन और प्राण का तो मेल है ही, तीन मिल गए, चौथा कैसे मिलेगा? वह हमने भी आसनों की जिक्र कर रही है ना, तो उस दिन आया था ना कि जब गीता में भी तो लिया कि जब बैठे तो एक जगह मन टिकाओ, बिछलो के इस तरह मैं बोला था उसे कि समम काय शिरो ग्रीवम धारियन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नाशकाग्रम स्वम दिशा चम लोके। आसन में बैठो, आसन में बैठ कर नाशकाग्र पर देखो, इधर इससे जो काम बनेगा कि शरीर प्राण मन और बुद्धि एक हो जाएंगे, ये है योग। इन चारों हमारे जो अंग हैं या हमारे परिवार है, पर्सनल परिवार, उसका एक होना। अब ये हमारे तो होता नहीं है, तो हम योगी कैसे बनेंगे? बुद्धि कहीं जाती है, मन कहीं जाता है, शरीर कहीं घूम रहा है, उसमें के रोगों से पीड़ित है, वो है ये है, क्या जब योग होगा? इन सारों को एकाग्र करना होगा, ये भी योग है। तो हम चूंकि आजकल आसन को बचा रहे हैं, इसी दर्शन बताया था कि सिद्ध आसन के करने से, उसने कहा था सिद्ध आसन कैसा है कि कैसे मुख्यम चैव धीयते फल कर्म, इससे मुक्ति हो जाती है, मुक्ति दोगे अगर ठीक ये सारा कुछ करेंगे सिद्ध आसन में बैठ कर तो करेंगे। और कई बार मुख्यम सर्वाश्रेष्ठ एकम सिद्धा सिद्धासन, सब आसन में इसको बड़ा कहा गया क्योंकि मुक्ति देने वाला है। हम करें अभ्यास करें, पर एक बात है, ये जो आसन कह रहे हैं ना, अभी दो एक दो और आसन आएंगे, ये हम वही कर सकते हैं जिन्होंने के जिनकी टांगे ठीक हैं, जिनकी टांगे ठीक नहीं बनी कर सकते। तो इसका मतलब उस वक्त शुरू करें जब के कर सके। अब करते तो है नहीं, टाइम पर तो स्कूल में जाते नहीं, और बड़ी उम्र में कहते हम ग्रेजुएट हो जाए, कैसे हो जाएंगे? वक्त पर इस पढ़ना पड़ेगा ना, और वक्त पर
हम पढ़ाते नहीं है। आगे तो हम देखा ना कि राम और लक्ष्मण बड़े शत्रुघ्न छोटी उम्र में गुरु के पास जाके आसन करते थे, वो तो समय है। और हम अगर अपने परिवार को इस तरह कहें, अगर हम हमारे अंदर शक्ति है हम शुरू करें तब तो होगा, नहीं तो ये आस ये नहीं होगा। तो ये सिद्धासन के बारे में कहा था। एक आज हम एक और आसन के बारे में कहेंगे, क्योंकि आसनों के ऊपर आजकल जब चलते आ रहे हैं, वो है पद्मासन। पद्मासन सिद्धासन से और भी ज्यादा पूछीदा है और बहुत लाभदायक है। उसके शास्त्र में इस श्लोक में है, बात तो आप समझते पद्मासन क्या होता है। वाम और ऊपरी दक्षिण में चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्ष ऊपरी पश्चिमेन विदिना, इस तरह पैरों को दाएं बाएं ऊपर रखो अपने टांगों के ऊपर। और फिर उसके बाद जिसको पद पद्मासन आता है वो इसी है, अंगुष्ठे कृत्वा कराभ्याम दृढ़, अंगूठों से अपने हाथों पकड़। यह सिद्धासन कितना मुश्किल है, सिद्धासन से मुश्किल है पद्मासन। और बच्चे तो कर लेंगे, बड़े नहीं कर सकेंगे, पर इससे लाभ ज्यादा होगा। इससे वैसे लाभ ये दिया हुआ है, हृदय विदाय चिबकुम नासाग्रम आलोकित, ये जो ठुड्डी है यहां नीचे लगानी, हृदय में नीचे छोटी नीचे लगा रखे, ताकि ये इसको जलंधर बंद कहते हैं, ताकि हमारी जो नारियां हैं कसी रहें। एतद व्याधि विनाश करना, ये इससे बीमारियां दूर होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है। और व्याधि किससे दूर होती है, व्याधियां तो बहुत आगे हम गिना सकते हैं क्या क्या दूर होंगी। परम पद्मासनम प्रोचते, इसको महान पद्मासन कहते हैं। अब बच्चा तो लगा रहेगा, बड़ा बिल्कुल नहीं लगा सकेगा। तो भाई पढ़ाई तो बचपन से शुरू होती है, बड़े उम्र से क्या शुरू होगी, बुढ़े तोते हो गया पढ़ाएंगे, वो तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम अगर अपने छोटे तोतों को भी ना पढ़ाए तो फिर तो बुढ़े तोते बन जाएंगे, कभी वो भी नहीं कर सकेंगे और लाभ नहीं उठा सकेंगे। अब जब इसमें भी कहा कि इसमें भी कि सर्व रोग आमय हरम, ये सब रोगों को दूर करता है, कई रोगों को दूर करते हैं। और ने कहा पद्मासन वेद सर्व पाप और नाशन, कई तकलीफों को पापों को दूर करता है। अब जैसे सिद्धासन में हम इस तरह सीधे बैठते हैं, गुरुओं के बीच में लगाकर बैठ जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, मन एकाग्र होगा तो बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी, स्फुर्ति हो जाएगी, प्राण सुसिद्ध हो जाएंगे। पर शरीर का लाभ आसनों के साथ शरीर का लाभ भी होता है ना। अब देखो पद्मासन में क्या लाभ होगा आपको, हमने पहले बताया था कि 103 जोड़ है हमारे शरीर के। अब इसमें देखो कितने जोड़ आते हैं, तीस जोड़ तो पैरों के आ जाते हैं, वही जब ऐसे मोड़ते हैं जोड़ों में जाएंगे, जोड़ों के दर्द नहीं होंगे फिर पद्मासन करने का। दो तो घुटने के आ जाते हैं और दो हिप्स के आ जाते हैं, कितने गिनते जाइए। और जब पकड़ेंगे तो दो कंधों के आ जाते हैं, और उंगलियों से पकड़ते हैं तो जिस तरह जितने पैरों की उंगलियां जोड़े हैं, इतने हाथों की उंगलियां जोड़े हैं, कितने जोड़ हो गए एक आसन से, इतने जोड़। क्योंकि योग में
जो है दिखाया गया है कि हम जो हमारे शरीर के जोड़ है यही जीवन का आधार है। एक जोड़ भी हो जाए तो हमारा काम बंद हो जाता है। एक अंगूठा ही न चले तो लिखना भी बंद हो गया, चीज उठानी बंद हो गई। पर इसमें देखो जब पकड़ते हैं अंगूठा तो जोड़ की एक्सरसाइज होती है। तो 50-60 जोड़ों की एक्सरसाइज पद्मासन से हो जाती है। एक तो यह अवश्य कहना चाहिए, और दूसरा ये कि जब हम बद्ध पद्मासन करते हैं ना तो हमारे फेफड़ों को हृदय को फायदा पहुंचता है, फैलते हैं ना। सिकुड़न जो है, जो ऐसे बैठेगा उसका हृदय और फेफड़े खराब हो जाएंगे, और जो ऐसे बैठेगा पीछे पकड़ेगा फैलाकर हृदय ठीक हो जाएंगे। तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि हृदय और फेफड़े ही तुम्हारे जीवन के स्तंभ हैं। और साथ जो ये करते हैं ना उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। दबी छाती वाले का तो मेडिकल भी अनफिट हो जाता है, उसकी छाती चौड़ी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे। और साथ पीठ की जो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। एक पद्मासन से कितने फायदे हैं। हम अगर 10 मिनट भी रोज बैठ रहे हैं पद्मासन में तो हमारे इसे सर्व रोग दूर करते हैं, पाप दूर होते हैं, हृदय हमारा हृदय जो एकाग्र हो जाता है। अब ये योग की जो आसन है वो एक्सरसाइज नहीं है, ये तो योग है। कितने जो अब अगर ये करते हैं तो फिर जो कहते हैं ना घुटने तुम्हारे में फैट जम गई या घुटने की तुम्हारी हड्डी घिस गई, वो नहीं होगी। हम बचपन से कर रहे हैं पद्मासन तो हमारी तो फैट का पता ही नहीं, कहीं कोई फैट भी होती है घुटनों में या कोई हड्डी किसी भी होती है। पद्मासन बड़ा अच्छा पद्मासन करिए। अब बात यह कि कहेंगे बच्चे तो कर सकते हैं, हम इतने बैठे हैं कोई सारे बच्चे तो नहीं है, आप नहीं कर सकते। धीरे 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 एक टांग से फिर दूसरी टांग से फिर तीसरी टांग से फिर एक बाजू से पीछे पकड़ना फिर दूसरे बाजू से पकड़ना, महीने डेढ़ महीने में एक बड़ा आदमी भी पद्मासन कर लेगा। अब कर लेगा तो उसकी समझो आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, काम ठीक कर सकेगा। तुम्हें पद्मासन बात हो रही है तो पद्मासन ये बैठने के लिए कई आसन है इस तरह जो अमान के आकार करने के लिए सिद्धासन पद्मासन। एक आसन जो आम बैठ हम देखते हैं हमारे यहाँ बैठते हैं वो है वज्रासन। वो बड़ा कहते हैं वज्रासन में जो बैठकर खाना खाता है ना उसको जल्दी पचता है। कारण ये है कि वज्रासन में बैठकर अपने आप ही जैसे अशोक जी बैठे हैं, इनकी पीठ सीधी है कि नहीं, और हम जो स्वस्थता से बैठे हैं पीठ टेढ़ी है ना, तो पीठ टेढ़ी होने से स्टमक दबा रहता है ना। अगर स्टमक दबा रहता है तो खाना जो है तो खाना पचने में मुश्किल लगेगी ना। इसलिए कहता कई कहते हैं कि खाना खाकर वज्रासन में बैठ जाने थोड़ी देर, ताकि कम से कम उतनी देर खाना पचने में खाने को सहायता मिले। क्योंकि जो मेदे के अंदर खाना है उसने मूव करना होता है, और मूव तभी करेगा वो फैला रहे तो इस वास्तव में फैला रहेगा अगर ऐसे बैठेंगे दिए। तो इसलिए ये वज्रासन जो है ये ध्यान के लिए भी है और आम बैठने के लिए भी है और स्वास्थ्य के लिए भी है। अब आसान बहुत है पर इसमें भी फायदा है, घुटनों का और पैर के जोड़ों का भी फायदा है। क्यों जब मुड़कर बैठते हैं तो पैरों की उंगलियां और टखने की उंगलियां और जो घुटनों की जोड़ है ये तो मुड़ेगी और लचक बनी रहेगी,
तो वज्र आसन क्या होता है, ये श्लोक इस तरह शास्त्र के अंदर है, जंगाभ्याम वज्रात कृत्वा, अपनी दोनों टांग को ऐसा बनाओ जैसे वज्र पत्थर होता है, पत्थर की जबान जाती है ना, और ऐसा लगता है ये दोनों एक शिला है कट्ठी होगी ना, गुदा पास से पदार्थ और पीछे नीचे इसको इस पर रख लो पीछे, वज्रासन भवेते, इसको वज्रासन कहते हैं। योगी नाम सिद्धिदायकम, जो योग करता है उसमें इसको बड़ा लाभ होगा योगियों के लिए, तो योगी इस आसन में बैठते हैं। तीन आसन और आसन बहुत से हैं, वो इससे कई सिद्ध आसन आसान है, पद्मासन उससे मुश्किल है, वज्र उससे आसान है, और कई आसन ऐसे भी हैं जो ज़्यादा ही मुश्किल हैं बैठने के लिए, ध्यान के लिए, मैं शरीर की स्वास्थ्य के लिए भी, तो हम जो कर सकें करना चाहिए आसन। और आसनों की तो अभी गिनती मैंने 84 लाख आसन है, और ये कुछ 84 और फिर 32 तो गिनाए थे 32 के नाम, इन सब को धीरे धीरे हमने देखना है कि हम कौन सा कर सकते हैं, उसका लाभ क्या है। लाभ सुनने से हमें विश्वास हो जाता है, जब मैंने कहा पद्मासन से इतने जोड़ों को लाभ होगा, कईयों के पैरों के जो पैरों की उंगली है ना वो हिलनी बंद हो जाती है, अब वो हो गया तो डॉक्टर कहेगा काट दो इनको उंगलियों का, ऑपरेशन कर दो, उससे बचने के लिए तो यही आसन करें, कभी नहीं बचेंगे। घुटनों का कई लोग आते हैं, हमने घुटनों का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने कहा इसमें चर्बी खत्म हो गई है, पर वो तो कह दिया चर्बी फिर भी नहीं आई, वो कारण यह है कि हम अपने आसनों द्वारा अपने जोड़ों को खुद ठीक रखें। अगर ये हाथ की उंगलियां हैं, ये सब जोड़ ठीक है, इसमें देखो कितनी है, 3 एक उंगली में जोड़ है, 3 दूसरी में, 12 और 2 अंगूठे में जोड़ है, 1, 2, 3 और 2 अंगूठे में 2 है, और फिर कलाई में है, इतने जोड़ एक हाथ में है, अगर इसमें एक जोड़ भी चला जाए तो मुश्किल हो जाती है, अंगूठे का जोड़ चला जाए जरा भारी चीज उठा लोगे, तो मैंने जरा भारी चीज उठाई मेरा यार दुखने लग गया, मुश्किल पड़ गया, लिखना नहीं जाता, तो इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और फिर एक बाजू का अंदर, तो ये कितना है? इन आसनों के अंदर ये हमने बताया था पहले शुरू में ही कि आसन जहाँ पर अन्य चीजों का ख्याल रखता है वहाँ शरीर के 130 जोड़ों का भी ख्याल रखता है, जो कहीं कोई नहीं रखता। तो अब हम आज 2-3 आसनों का जो हमने वर्णन किया इनको अभ्यास करें, ये सिद्ध आसन, ये वज्रासन और पद्मासन का अभ्यास सब कर सकते हैं, बच्चे तो करेंगे ही, बड़े भी कर सकते हैं, 1-2 महीने में उनका पद्मासन लगने लग जाएगा, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर जो है, लोग तो ऐसा होता है कि बांस होता है ना, सूखे बांस को भी कारीगर मोड़ लेते हैं, तो हम वही बात है, यत्न की जरूरत है, तो हम अवश्य करें और प्रभु जी के लाभ उठाएं। तो योग ये योग जिसे कहते हैं ना, ये शरीर से मन से बुद्धि से और आत्मा सब सब के मिलाने का नाम योग है, इसको हम एक तरफा नहीं ले सकते, और इसलिए इनको हम इस दृष्टि से करें और पूरा फायदा उठाएं योग से, और सत्संग से ये चीज मिलती है, अन्य तो नहीं मिलती, किताबों से इतना समझ नहीं आती, बातचीत करने जाए समझ आ जाती है, उत्साह भी आता है, पर फिर अगर करें ना तो लाभ भी कोई नहीं। बहुत से चरण महाप्रभु राम।